मेरी सप्ताह के महाराष्ट्र प्रवास के दौरान 18 अक्टूबर 2023 को मैं पहुंचा नांदेड़ के सिंबोली गांव के किसान शैलेश धर्मले जी के घर पर। सूर्योदय में सपरिवार इनके घर पर बैठकर अग्निहोत्र किया। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। अग्निहोत्र के बाद परिवार के सभी सदस्यों को उनके शरीर के पंच महाभूत चेक किए, उसको ठीक करने की पद्धति सिखाई, सप्त चक्रों को ध्यान करना और उससे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने की पद्धति सिखाई। इसके बाद मैं शैलेश धर्मले जी के खेत पर गया। बहुत शानदार इनकी TCBT से हल्दी की फसल आ रही है। इन्होंने TCBT हल्दी और केमिकल खेती की हल्दी दोनों कंपेरिजन लगाया है। बहुत अच्छी फसल है, आप देखिए इनकी फसल। 4 महीने में इनकी केले की फसल भी लगभग 15 फुट की हो गई है। शानदार केले की फसल है। मैं दोनों फसलें आपको इस YouTube में भेज रहा हूँ, आप देखें। इनकी बनाई हुई जितनी भी जैव रसायन भस्म रसायन है वो भी सब आपको दिखा रहा हूँ। अक्टूबर 2023 और अभी हम हैं महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले में श्री शैलेश धर्मले जी के खेत पर, और इन्होंने TCBT से हल्दी लगाया है। शैलेश जी, ये पूरा TCBT है? TCBT से लगाया, कोई केमिकल नहीं डाला? कोई केमिकल यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, डीएपी नहीं, कोई पेस्टिसाइड कोई फंगिस है? नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी कितने महीने की हल्दी हो गई है? ये 3 महीना 18 दिन की है। अच्छा, मतलब इसको जून लास्ट में लगाए लास्ट में हो, लगाया तो मात्र 3 महीना 18 दिन। हल्दी की वैरायटी कौन सी है? ये सेलम है। अच्छा, सेलम है, बहुत बढ़िया। तो ये कितने एकड़ में लगा हुआ है? अभी 1 एकड़ में ही है। ये 1 एकड़ में है? हाँ। अच्छा, तो इसमें TCBT में क्या क्या इसमें डाला है? इसमें पहले मैंने जब जमीन तैयार करनी पहले हाँ। ऊर्जा जल का स्प्रे लिया है। ऊर्जा जल जमीन पे डाला हाँ, है? जमीन पे डाला है। अच्छा, उसके बाद मैंने जब बेड बनाया हूँ हाँ। तब बेड पे ऊर्जा जल का स्प्रे लिया है। हाँ हाँ। बाद में हल्दी बो दिया। अच्छा, हल्दी बोने से पहले इसमें मैंने गोवर्धन खनिज खाद डाला हूँ। अच्छा, भूमि में? भूमि में। अच्छा, बाद में हल्दी बोया हूँ। हाँ। उसके बाद फिर जब हल्दी निकली ठिबक से मैंने हाँ। उसमें मीठा जैव रसायन ड्रिप से, मीठा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन 10 10 लीटर छोड़ा हूँ। 10 लीटर? हाँ। अभी तक मैंने कुल 10 लीटर? नहीं, अभी तक मैंने इसमें 3 4 बार छोड़ा हूँ, 4 बार। यानी 40 से 50 लीटर हाँ, जैव रसायन जा चुका है। और क्या है इसमें? अभी तक समझो 600 लीटर ऊर्जा जल जा चुका है। 600 लीटर ऊर्जा जल? हाँ। जीवाणु जल जा चुका है। जीवाणु जल और भस्म रसायन 200 लीटर। जीवाणु जल कितना गया होगा? जीवाणु जल 400 लीटर तक गया है। अच्छा, और अणुजल बना के अणुजल भी छोड़ा हूँ 200 लीटर। 200 लीटर अणुजल? हाँ। इसमें आपने ऊर्जा जल अणुजल जीवाणु जल ये डाला है, भस्म रसायन बना के जीवाणु हाँ अणुजल डाला है। मंगाया था मैंने क्या मंगाया? सोल से भस्म रसायन? भस्म रसायन। अभी मेरे और कुछ डाला है? फफूंद भक्षक डालने का है, V+ भी M+ ला मंगाया हूँ, वो भी डालने वाला हूँ। तो अभी तक डाले नहीं? नहीं डाला हूँ अभी तो, अभी तक सड़न वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अभी अच्छा, मैं इसमें डालने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी क्या है कि केवल ऊर्जा जल अणु जल जीवाणु जल, तो इसमें OKP नैनो नत्रजनी कुछ नहीं डाला? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, नैनो खनिज भी नहीं? नैनो खनिज भी नहीं, तो अभी केवल इतना ही चीज डाला है। और फसल में ऐसा है, यदि इसमें OKP नैनो नत्रजन डल जाता तो इसकी चौड़ाई और आती है ना। महिराजा डाले हैं? हाँ डाला हूँ। माइकोराइजा डाले हैं? हाँ माइकोराइजा। मतलब भूमि जड़ उपचार किए हैं क्या? हाँ जड़ उपचार किए माइकोराइजा। मैंने क्या किया, अभी 15 दिन पहले गोखुर खाद बनाया था जो हाँ, अप्रैल में बना हाँ, के मैंने हाँ, रखा था, उसमें मैंने 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद मिक्स किया हूँ, 1 किलो सुरपाल हाँ, और अपना सॉरी 1 किलो माहिराजा जो 2.5 किलो के इसमें आता है ना वो, और 1 किलो सुरपाल, ये सब मिक्स करके मैंने बेड पे चला दिया। बेड पे चलाया। कड़वा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन हाँ हाँ, वो भी डाले, उसमें डाल के मिक्स करके हाँ, खेत में भुरक दिए। अच्छा हाँ, चलो ठीक है। तो अभी इस पे क्या करिए आप, कि इस पे जो है नैनो सिल्वर AG+ हाँ, नैनो पोटेशियम, नैनो कैल्शियम,
ठीक है, नैनो जिंक, नैनो सल्फर, इस पांच प्रोडक्ट का 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे करिए, है ना। एक आध बार ड्रिप से दे देना, तो दो बार इस पर, दो बार ड्रिप से ये चला देना, ठीक है। इसके कंद अच्छे हो जाएंगे, 3.5 महीने में इसकी ऊंचाई अच्छी है, लगभग ये जो है 3-3.25 फुट का तो हो ही गया है, और पूरा प्लॉट एक सा है, एक सा है। अच्छा, आपने रासायनिक भी लगाया है? हाँ, बाजू में रासायनिक है उस तरफ। अच्छा, रासायनिक से इसकी पत्ते की चौड़ाई, चौड़ाई बड़ी है, ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है। हाँ, और जो इसके जो स्टेम है, दिखाओ स्टेम जरा, स्टेम भी ज्यादा निकले वाले उससे। अच्छा, ये देखो, ये स्टेम देखिए, बहुत अच्छे स्टेम निकले हैं, इधर दिखाइए, ये स्टेम अच्छे निकले हैं, तो इसके स्टेम भी अच्छे हैं, पत्ते की चौड़ाई ज्यादा है रासायनिक की अपेक्षा। रासायनिक में क्या डाले हैं? मैंने उसमें जब पेड़ बनाया हूँ तब उसमें पोटैश और डीएपी डाला हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने जब एक बार इसको माटी चढ़ाया हूँ तभी मैंने इसमें डीएपी, पोटैश, यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक डोज दिया रासायनिक। रासायनिक और इसमें तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं डाला, केवल मिट्टी बस चढ़ा। हाँ, बस मिट्टी चढ़ा है। उसमें दूसरा डोज भी, दूसरा डोज जा चुका है उसको। और स्प्रे कुछ हुआ है उसमें? उसमें एक इसका हुआ है कार्बन डाइजिंग का, अभी तक स्प्रे भी हुआ, स्प्रे हुआ, इस पे अभी तक स्प्रे भी नहीं लिया, फंगीसाइड का एक स्प्रे उसमें किया है। तो किसान भाइयों, आप जो देख रहे हो, इसमें कोई स्प्रे नहीं हुआ, और बिना यूरिया डीएपी इसकी ग्रोथ ज्यादा है, स्टेम ज्यादा है, तो जरूरत ही नहीं डालने की। अगले बार आप पूरा टीसीबीटी करो। मैं पूरा ये अभी खेत पूरा टीसीबीटी बनाने वाला हूँ। अच्छा, पिछले साल इसमें ही चना था, मुझे 9 क्विंटल तक चना हुआ इसमें, इसी खेत में, इसीलिए मैंने इसे आधे में कंटिन्यू हल्दी बनाया हूँ। अगले साल मैं ये पूरा खेत टीसीबीटी से ही लगाऊंगा। अच्छा, कुल कितनी खेती है आपकी? मेरी 30 एकड़ खेती है। तो चलिए, पूरे 30 एकड़ में टीसीबीटी करिए, जब ज़्यादा अच्छी उपज आ रही तो स्वाभाविक है। और जो किसान भाई सुन रहे हैं वो भी इस कंपैरिजन को देखें, जब टीसीबीटी में ज़्यादा चौड़े पत्ते आ रहे हैं, स्टेम मोटा बन रहा है, उपज भी स्वाभाविक इसमें ज़्यादा आएगी, तो यूरिया डीएपी की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत माइक्रोन्यूट्रेंट आप स्प्रे और कर दिए होते, जो फुल डोज होता है, तो अभी और बढ़िया रहता, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, स्प्रे भी करना है हमें। ऊर्जा जल का भी स्प्रे आप अगर कर देंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ जो धब्बे दिख रहे हैं, थोड़े बहुत ये ऊर्जा जल का ही स्प्रे कर दोगे तो ये धब्बे नहीं दिखेंगे जी, ठीक है। जो थोड़ा ये देखो, ये स्पॉट आ गया, बैक्टीरिया लीफ ब्लास्ट है। कैसा करना है? ऊर्जा जल, ओनली ऊर्जा जल का स्प्रे कर दो, और ऊर्जा जल के साथ नैनो सिल्वर कर दिए, स्पॉट तो वहीं से वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। और पत्तों में डार्क आ जाएगा, एकदम डार्कनेस। आप ऊर्जा जल नैनो सिल्वर का स्प्रे करते ही दूसरे तीसरे दिन, ठीक है। पर उसमें नैनो पोटेशियम कैल्शियम भी करिएगा, क्योंकि अभी जरूरत है पोटास की इसको, ठीक है, ताकि कंद अच्छा बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये गुरु जी, आम का 90 दिन का जैव रसायन है इसमें, इसमें है गुरु जी। हाँ, और इनमें, इसमें इसका अपना केले का, केले का है, केले का, इसमें पलास, पलास का। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये सब इसी से निकाला हुआ है। हाँ। अच्छा, वाह, ये तो हो गया 90 दिन लगता। हाँ, हो गए 90 दिन हो गए। अभी जो अपने साथ में प्रशिक्षण में लेके गए थे, ये गुरुजी नीम का है, नीम का जैव रस है। उसमें क्या? वो कुंभई का है गुरुजी। अच्छा, कुंभी फल रहता है। हाँ, कुंभी फल ही बोलते हैं ना। कुंभी, उसका खट्टा होता है या मीठा होता है? कड़वा आएगा मेरे ख्याल से, कड़वा आएगा। ये इसका है कद्दू का, कद्दू का, और देवडांगर बोलते हैं ना। इन सब में क्या है? ये पपीते का है। अच्छा, और छोटे छोटे इनमें क्या है? मत खोलो, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें क्या है? इनमें, इसमें कड़ू इंद्रायणी का है। अच्छा, इसमें करेले का है, करेले का। हाँ, ये इसमें भी, इसमें शिवलिंगी का है गुरु जी। अच्छा, ठीक है, जैसे बीज बन रहा है अभी, उस समय स्प्रे करना, ठीक है। मुझे फूल, पूरा फूल आ जाए और बैठ गया तब। हाँ, हाँ। दाना बिल्कुल ठोस बनेगा। हाँ। शिवलिंगी का। और इनमें क्या टांग दी इनमें सब में? ये हम घर में इस बंदी है, फूलों का है अपने। अच्छा, फूलों का है। हाँ, हाँ, फूलों का है। अरे वाह, ये तो बहुत ही डार्क फूल है, क्या है ये? अपना जासवंद। अच्छा, जासवंद का है। क्या इसका उपयोग क्या आता है गुरु जी? ये बालों को धुलने में करें, बिल्कुल बाल एकदम काले हो जाते हैं, घने काले, ठीक है। ये हमने समझो अपने आम में जो फूल आता है। हाँ, हाँ। उसका बनाया है, आम के बौर का। हाँ। दिखाओ जरा, नए नए तरह से बनाए आप, तो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हो।
ये भी बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है। इसका थोड़ा सा निकालिए जरा जैव रसायन। वैसे ही निकालो, हाथ में निकालो, कोई बात नहीं। ये क्या बढ़िया डार्क बना है लाल, क्या बात है। भूमि ठीक, गगन ठीक, वायु ठीक, अग्नि ठीक, नीर ठीक। इसका तो स्प्रे कर दो, मतलब तो चमक आ जाएगा जी। इसको पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, है ना, बालों को धुलने में भी कर सकते हैं। पीने में करिए, बिल्कुल कई तरह की बीमारियों को ठीक करता है। पाए बस लीजिए, ठीक है जी गुरु। ओके, ये क्या है, ये कहते हैं जो अभी कोरियल गुड़वेल 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 के बीज का है। अच्छा, बीज का है, हाँ। क्या बात है। बनाए थे, हाँ। तो शाम में एक बोतल फूट गई थी। अच्छा, ज्यादा गैस होने की वजह से। अरे इनको खोला करें, इसको थोड़ा हल्का हल्का लगाओ, पूरा एयर टाइट नहीं है, हल्का। एक साल पुराने, एक साल पुराने हैं, हाँ, सब एक साल पुराने हैं अभी। क्या बात है। ये आम का, इसमें इतनी मोटी डाल सकता हूँ। डाल डाल डाल। अच्छा, मोटी परत बन गई होगी, ऐसी इतनी मोटी परत बन गई थी। अच्छा, अभी वो डिजॉल्व हो गया होगा। अभी मैं घर में लेके गया हूँ बोतल में, अभी दिखाऊंगा। हाँ, दिखाओ इसको, आम का, आम का दिखाओ बेटा, पास से नीचे करो। ये देखो, ये ऐसी परत बनती है ये। वाह, क्या बात है। ये सब कॉलोनी है, ठीक है, जीवाणुओं की कॉलोनी है, ठीक है। इसको जब पानी में डालोगे तो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा नए पानी में जी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, इसका बहुत सुंदर बना है ये, बहुत अच्छा है। इसका भी अलग ही महक आ रही है।